नमस्कार दोस्तों। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। हम लोगों ने दो चैप्टर देख चुके थे। कौन कौन से? पहला चैप्टर था हमारा वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, दूसरा था पादप जगत का वर्गीकरण। अब इस तीसरे लेक्चर में हम लोग बात करते हैं पादप आकारिकी के बारे में। आपको बता दें, ये सभी लेक्चर पहले सूची में एक लिस्ट बनी हुई है जनरल साइंस के नाम से, उसी में सभी पढ़े हुए हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? आप स्थानिक मूल, आप स्थानिक मूल, मूलांकर, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें। श्वसन मूल किसमें मिलती हैं? जूसिया में। डहेलिया की जड़ें कैसी होती हैं? कंदिल तथा पुलकित। उपरी रोही मूल किसमें मिलती हैं? आर्किडस, आर्किडस में। न्यू मेटाफोर्स श्वसन मूल प्रयाग किसमें मिलती हैं? मैंगो पादपों में। आओ स्तंभ मूल किसमें पाई जाती हैं? गन्ने में। स्तंभ मूल क्या होता है? अब स्थानिक जड़ें। जड़ें किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से। गाजर क्या है? जड़। जड़ किसी भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल, शीर्ष, ये ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। पेड़ में हमेशा कौन रहता है? जड़ें। आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तना। पर्णकाय स्तंभ किसका रूपांतरण है? तने का। नागफनी में विकास संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। आर्किडस में बिलामेन जड़ें किस लिए होती हैं? नमी अवशोषित करने के लिए। किसकी पत्ती में पर्णदल फ्रेया न्यूनिकित होता है? शुष्कोद्भिद। आगे बात करते हैं। भोजन, अब बात करते हैं आप स्थानिक जड़ों के मूल रूपांतरण के बारे में। भोजन संग्रह हेतु, फिर सहारा देने हेतु, जैविक कार्यों हेतु। साकंद जैसे शकरकंद, भोजन संग्रह हेतु। कच्छ गुच्छ, डहलिया और सतावर जैसे। वलयाकार इप्पी केक जैसे। ग्रंथिमय आमा हल्दी जैसे। मणि रूपाकर अंगूर अमरलता जैसे। स्तंभ मूल बरगद सहारा देने के लिए। जटा मूल गन्ना मक्का। पुस्ता या वप मूल सलमेलिया टर्मिनिलिया। आरोही मूल पोथेस टिकोमा और काली मिर्च। कुचनशील मूल अदरक लहसुन। अब है श्वसन जैविक कार्यों के लिए। श्वसन मूल जलीय पौधों में जूसिया पिस्टिया। लवणोद्भिदों में एक्सिनिया हेरिटीए। अधिपादपों में पादपों में जैसे आर्किड। स्वांगीकारी मूल टिनोस्पोरा। चूषक मूल अमरबेल। ठीक, अब आगे बात करते हैं। शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाती हैं, क्यों? विलगन परत के निर्माण के कारण। पुष्प
पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? केप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में कौन सा चक्र पाया जाता है? सभी चारों चक्र। पुष्प के जनन चक्र कौन है? उमंग, जायांग। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? फ्लोरीजन, सिराव। संसार का सबसे छोटा पुष्प? वुल्फिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। पराग कोष में वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागकण। एनोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? चिरेप्टरोफिली। जुफिली परागण किसके द्वारा होता है? जंतुओं द्वारा। आर्निथोफिली परागकण किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। जो परागण बंद पौधों में होता पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? क्लेस्टोगेमी। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संतान। मात पौधे के समान पौधे किससे प्राप्त होते हैं? तने की कलम से। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? कंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। अदरक क्या है? राइजोम। प्याज में खाद्य भाग क्या है? तना। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? आपको याद रखना है मूंगफली। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार, पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। बीज सीड किससे विकसित होता है? बीजांड से। अब बात करते हैं तना। ये भूमिगत, अर्धवायवीय और वायवीय, ठीक है, भोजन संचय के लिए रूपांतरित होते हैं। पिकंद जैसे अदरक, हल्दी। घनकंद अरबी, जिमीकंद, ग्लेडियोस ओलस। शल्ककंद जैसे प्याज, लीली। कंद जैसे आलू, ठीक है। पूर्ण रूप से वायु में नहीं होते हैं। ऊपरी भूस्तारी जैसे घास। अंता भूस्तारी गुलाब, पौदीना। भूस्तारी जैसे स्ट्रॉबेरी। भूस्तारिका जलगोभी, जलकुंभी या पेस्टिया। पर है पूर्ण रूप से वायवीय। पर्णाभ स्तंभ तना पत्ती के रूप में चपटा हरा तथा पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जल की हानि रोकती हैं। नागफनी। पर्णाभ परव जैसे सतावर और रसकस। पतकंद जैसे गिलोबा। पितान जैसे अंगूर, ठीक। आगे बात करते हैं भूड किसमें मिलता है? बीज में। आर्किड के बीज कैसे होते हैं? हल्के एवं शुष्क। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। सजीव प्रजक अंकुर किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा। अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? मक्का में।
भूमपौरिक अंकुरण किस में पाया जाता है? अरंडी में। पौधों में पित्तस्थ अंकुरण से का क्या तात्पर्य है? जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। घटफर्डी के भागों में से कौन सा एक घटक रूपांतरित होता है? पत्ता। कौन सा एक कीटहारी पादप है? घटफर्डी। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या है? मांसल, पुष्पासन। फलों का वह विकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह नट। आगे बात करते हैं, बीज रहित फल किससे प्राप्त होता है? हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा चिप चिपा किसमें होता है? कीट परागित पुष्पों में। घोंघे द्वारा परागकण कहलाता है? मेले कोफली। सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। परागकण क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्मों को कोद्भिद। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? रूक्ष और चिपचिपे। निषेचन क्या किया क्या है? एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण किससे विकसित होते हैं? अध्यावरणों से। द्वि निषेचन किसका मुख्य कारण लक्षण है? आवृत बीजियों का। अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन। बिना निषेचन के एक अंडाणु के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। निषेक जनन प्रा किस में दिखाई देता है? अंगूर में। तना काट आमतौर पर किसके वर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? गन्ना। मक्का, सोरघम, प्याज, सोयाबीन में किसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज। एक सत्य फल किससे परिवर्धित होता है? पुष्पासन से। आभासी फल का उदाहरण कौन सा है? सेब। नारियल तथा आम के फल को क्या फल क्या होते हैं? ड्रूप। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिक भाग क्या है? मध्य फलभित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूण कोष। लीची फल खाने योग्य भाग क्या है? एरिल। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल। आलू की जड़ अथवा तना तना। तर्कुरूपी जल का एक उदाहरण दीजिए। मूली। शकरकंद जड़ है या तना? जड़। कोसा किस भाषा का शब्द है? लेटिन। कोसा शब्द का क्या तात्पर्य है? सूक्ष्म कक्ष। गंधक की खोज किसने की? रॉबर्ट विराउम। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सी कोल्स। पेड़ों को छत पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छाल पर, फोर्टी कोल्स। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम। कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। कोशिका भित्ति कैसी होती है? परागम पारगम। कोशिका ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। कौन सी रचना जंतु कोशिका में को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रिओल। सॉरी। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम।
संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। किस चीज को अधिक खाने से ही पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन। कौन से कार्बन पदार्थ तने की कोशिका में दीर्घीकरण में सहायक होते हैं? ऑक्सीजन। एथाइलीन कौन से फल के पुष्पन को तीव्र करता है? अन्नास। एब्सिसिक एसिड क्या है? वृद्धि रोधक पादप हार्मोन। फल किसे कहते हैं? परिपक्व अंडाशय को। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सत्य फल। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से बने फल को क्या कहते हैं? कूट फल। कूट फल कौन सा है? सेब, एप्पल। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा पादप आकार की से संबंधित चैप्टर। अगले चैप्टर में बात करेंगे हम लोग आविद्युत आवृत बीजियों की वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, आगे।